मेरे मोबाइल की तरह अगर आपके मोबाइल में सिंगल 4G है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक सिम में नेटवर्क दिखा रहा है, दूसरे सिम में नेटवर्क नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उस सिम से हटकर हमारे इस सिम में नेटवर्क आ जाए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं फिक्स करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। देन सेटिंग वाले ऑप्शन जैसे आएंगे तो हमें सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क के यहाँ पर क्लिक कर देना है, सबसे नीचे आ जाना है। देन इसके बाद हमें एक सबसे नीचे इंटरनेट का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपके फ़ोन में सिंगल 4G है तो आप जिस सिम में नेट इस्तेमाल करेंगे केवल उसी में आपका 4G सिम चलेगा। तो हम अगर आप फर्स्ट सिम में अपने 4G को चलाना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट सिम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, देन यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर वोल्टी इनेबल का ऑप्शन मिल रहा है, हम इसको इनेबल कर देंगे ताकि हमारे कॉल और SMS भी स्टार्ट हो जाएँ। देन इसके बाद हमें एक बार इसको एरोप्लेन मोड में कर देना है। देन एरोप्लेन मोड करने के बाद फिर से हमें इसको मतलब बंद कर देना है। जैसे हम बंद करेंगे तो लगभग 1 मिनट के अंदर हमारे फ़ोन में नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। 1 मिनट लगभग 5 सेकंड के अंदर ही हुए हैं तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम डेटा भी चालू करेंगे तो हमारा डेटा भी चालू हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना है।